योजना करता अपन मतलब कवि सम्मेलन चालू करया मैं दूर दूर ट्रेन से जातो कई बार दो दो दिन ट्रेन में ना नहीं सकतो चेन्नई वगैरह जातो ना बा पूजा पाठ होतो नहीं पाती मन में औचाट रहतो पर एक शेर याद आतो दो लाइन याद आती तो मैंने बड़ो आराम लागतो कि सजदा न कर सका पूजा न कर सका मुझे इसका गम नहीं किसी को हंसाना भी किसी इबादत से कम नहीं किसी इबादत से कम नहीं। आप हमारे कालजा में जो राम जी बैठे थी ना साले आज ना लागे भगवान की आरती होगी है। एक बहुत छोटी सी कविता मैं आपने सुनाऊं शायद आप आज के पहले कभी सुनी को नहीं होगी बा दो मिनट की कविता सुनाऊंगा फिर वेद जी की आरती के साथ आप मिलता आगे विदा लेंगे मालिक यही मिलनो जुलनो बनाए रखे बहुत लंबो अभी कार्यक्रम ना आप ही अभी नहीं करेंगे। कहा है कि कुछ बातें खास अपने पास रखना भी जरूरी है कुछ बातें खास अपने पास रखना भी जरूरी है और फिर मिलन की आस रखना भी जरूरी है तृप्ति की ना मृत्यु हो जाए कहीं इसलिए कुछ प्यास रखना भी जरूरी है। कभी आग का नहीं हो जाओ या एक पीस बनी रहेगी हो जो भी यहाँ कुछ हो गए तो यहाँ का सारा भाव एक छोटी सी कविता में आपने सीधे सीधे सुनाऊ और कविता में बहुत प्रकार हुआ है हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है बेटियां पढ़े कर जाने गीत गजल छंद दोहा चौपाई तुकान तय तुकान तो या छप्पन बात के तरीका हुआ है मात्रा जिननी पड़े या अलग टेक्निक को काम है कवि आपने बहुत अलग अलग आप श्लोक पढ़ाने बहु जी या ना एक शिव जी को पंचासर स्त्रोत्र है वो नमः शिवाय बस शुरू हो नागेंद्र हाराय पहली नैसे दूसरे मंदाकिनी सलिलम शिवाय गौरी वदना व्रज वंदे वशिष्ठ कुंभ गौतम आरी है पांचो यज्ञ स्वरूपाय प्रकार हो कवि क्यों है कि मरवा के सो एक साल पछे अमर हो किताबा में नाम आवे का आज के सो एक साल पछे भाई लो राजस्थान का कविया को इतिहास लिखो जाएगो तो बिमा मास्या को भी नाम आवेगो कि शेखावाटी के झुंझुनू जिले में हरीश हिंदुस्तानी एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने साहित्य की गंभीर से गंभीर कठिनतम विधाओं की वह ऐसी तैसी करी ही। मैं तो वही काम करी हूं मैं कलडा ने सोरो ही करी हूं तो वह एक सॉरी टेक्निक कल्डी है पर मैं सोरा ढंग से ताने बा कविता सुनाऊंगे कविताओं में सबसे कल्डी कविता हुए नामाक्षरी हो गए जी आपने लिखनो पड़े सही शेडू राम तो बस सात लाइन की कविता बने पहली सह से शुरू करनी पड़े दूसरे ही से तीसरी दे से सह ही दे शेडू राम किया शुरू करनी पड़े चौथी से पांचवी डू से किया इमें और सौ कंडी हो गए ककेरा नामाक्षरी बीमा अपना कह खे गगड़े जी नंबर सावे कह खे गए गए नह छे भी यहाँ शुरू करनी पड़े और कह आ रही लाइन में हर शब्द कैसे ही लेनो पड़े कह आ रही में हर शब्द कैसे ही लेनो पड़े वो बहुत कल्डो काम है। एक ही मैं छोटी कविता नाम सुनो इना सी आनंद में मैं किया लिखी आपने शेखा वाटी में सब बड़ी समस्या आई है कि भया का जिका का ब्याह नहीं हो रहा कर है तो आ एक आपने समस्या बची है और तो लगभग सल्ट और सब आनंद आपने आका तो लाया का जिका का पेती सी टपकी में आके तो बात बात में गांव भाई लोग घर का ही ओड़मो दे दिए और मैं तो भाभी मस्करी कर ले 5 रुपए की काजल की डब्बी भी सूख जाए ने करा जरा खेती देवर जी बार थार में लखन होता तो काजल गाल ने एक ले लेती आज क्या ना सूखती करती तो जिका पहले ही 4 पंक्तियां ब्याह सवा शुरू होगा देव उठने ग्यारह सहिया कहीं थे ब्याह में जाओगा स्टेज लागेगा स्टेज में बीन पहले आर बैठ जाए बीननी भाई लाके सागे पत्थर आवे जब तक कुमारा को ब्याह नहीं हो जाए बिना हर लड़की में या लागे कि यार संबंध बैठ सके आपने तो बिना भाई नारी कितनी सुंदर लागे पहली 4 लाइन बस श्रृंगार रस की सुनियो कव्य जी अगली 4 लाइन बहने 10-15 साल बीत जाए जी अथारी मारी के गति रहे वह सुनियो करियो थे कंचन काया कामन गारी की सोना सी दिखे बिना सोना की सी पड़पड़ाती कंचन काया कैसे ही सारा कंचन काया कामन गारी की कालजिया की कोर और खबसूरत खालिस खांड सी मैं ब्राह्मण आदमी माने खांड ही सो बढ़िया लागे जब शाड़ो लागता है बाजार में आवे नई ताजा शक्कर तो बेका रूप रंग मिठास और शुद्धता ने कौन दे दे टक्कर खूबसूरत खालिस खांड सी खुशबूदार खमोर आप भी टाइम की कविता है बीन स्टेज पर आर बेट को है बीनड़ी आल भाई लागे सागा हुए जब तक भी कि हर करे
खूबसूरत खालिस खांड सी खुशबूदार खमोर, एक खमोर को पेड़ है रात की रानी मोगरा से भी सोगुना सुगंधित साउथ अफ्रीका में नीचे सा हाथी भी निकले तो वो मदमस्त हो जाए भी सुगंध से भैया नई नई बीरणी सोलह श्रृंगार कर बात बात का सेंट लगा सारे सियार बैठे तो सुगंध से भी बीन को ये हो जाए राजी अरे उड़ी बात भी करे तो वो कह हांसी खूबसूरत खालिस खांड सी खुशबूदार खमोर गजबण गुणवंती गोरड़ी गजबण गुण दुनिया में सब सुंदर चाल है बा बताइए अथनी की अथनी मस्ती में जोमती हाँ धीरे धीरे चाले मैं तुम्हें बताऊ नंदेव जी बाबू जी 17 साल पहले मेरे ब्याह हो तारे घर बीनणी आई जब मैं यहाँ बैठक में बैठो रहे तो और चौक में चालती जहाँ यहाँ आवाज आती अब चीजा बदले करती है मैं तुम्हें बताऊ अब मैं बैठो और चौक में चाले कव्या जी आवाज और गजबण गुणवंती मारवाड़ी समझ रहे हो ना आप सब हाँ नहीं तो मैं तो अंग्रेजी भी जानू मैं यार रोजीना को नहीं बोलू या कोई बड़ा मौका ठोका पर बोलू और यहाँ अंग्रेजी जानू बोलू मैं तुम्हें बताऊं जनरली आई नॉट स्पीक इंग्लिश फॉर स्पीक इंग्लिश व्हेन आई फील सो मच 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 इन माई डील देन आई स्पीक इंग्लिश वेरी मच टू मच सो मच मोर मच हाउ मच 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 Then why not some people say, please keep quiet means don't do much much. But I am fully confident and paying naka anyhow. Mostly I succeed was marine madana kade kau. तो हसे आनंद का जो पल है गजबण गुणवंती गोरडी गजबण गुणवंती गज गामिनी गोरडी गणगोर और गाल घुमेर घूंघट से गुरे जेवर सी गणगोर गए गए से गाल घुमेर बाबी ने बीनणी भी टेम किया थी लागे भी टेम बीनणी बा या नाचो पेरिया सागे बे भाई लिया है बे सहेली बे फूल की पत्तियां थाली में लेर चाले मैं तो आनंदेव जी ने बुझो भी मजी आप बीनणी एकली आज तो अति भाग्यार भाई लिया ए एक ब्याह में मिल जाता ना मैं अति सागे क्यों आवे ए भैया तू कवि रह गो तू कमाई तो करी को नहीं कदे कोई प्लाट तो लियो को नहीं मक्की आप प्लाट को क्या मतलब बोलो प्लाट ले इतना भी रजिस्ट्री के माय भी प्लाट को नक्शो लगाना पड़े सागे भी मैं जिको प्लाट लियो जा रहे हैं बिना लाल सही से दिखाना पड़े भी का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का और प्लाटा के लोकेशन भी बतानी पड़े दाएं ये बाएं ये बस आगे का प्लाट है तो मैं लाल सही हरी बात बोलो बार देखिए फेरा में ही मांग भरेगा अब्बा लाल सही है जिसे बेरो पट जाएगा कि भाई की प्लाट की रजिस्ट्री हो रही है तो मैं जी फिर मोटियार के यहाँ कोई भरे बोलो मोटियारा में जाइए कोशिश तो मोहन हो गए तो बापू तो रंडो ही देव मारे मांग तो घाल घुमेर घूंघट सी घूरे दुल्हन पितनिया सहेलिया के सागे रोजिना बाबी सारा प्लाट आपा प्लाट गिरा के सारे ही लगाओ समापन कर लेगा माता बहना भी अब तो समय दिए कई 10 बजे से ही आएगी बहुत धन्यवाद आशी की बात करता कई बात यहाँ थोड़ी बावली सी भी हो जाए पण मड़ो आशी क्या आवे बावली बात पर आशी क्या मजबूरी है थाई बात करता ही तो आप सभी का जैसे तुम्हें एक आरती सुनाऊं आरती सभी तरह की होती है मैं आरती करता हूँ अपनी पत्नी की ताकि घर गृहस्थी सुखी रहे और उसको करने से 7 जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो आप बड़े ध्यान से सुने निवेदन है कि जय बीबी मेरी समझ कर माफ करते
तन से औरत लगती पूरत मर्दानी, ओ जबे पूरत मर्दानी ओ नीचे से मायावती, नीचे से मायावती ऊपर अडवानी, ओ जरीबी मेरी रोज चाकती गुल जी ओ जन में मेवा, ओ देवी ओ जन में मेवा और क्रीम पाउडर से पूसे राजी पत्नी देवा, ओम जय देवी मेरी कुछ अब तू जब तू आंख दिखाती तब मैं डर जाता, ओ देवी तब मैं डर जाता और पांव पकड़ कर तेरे पीछा छुड़वाता, ओम जय बीबी मेरी। और आप तो ऐसा सुन रहे हो जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, बीच बीच में तालियां भी हो जाती है। हाँ हाँ, और निवेदन करना चाहता हूं कि बेतन को नसीबा सब कुछ है तेरा, ओ देवी सब कुछ है तेरा और तेरा मुझको अर्पण, क्या जब तेरे पीहर से कोई है आता, ओ देवी कोई है आता और महीने भर का वेतन पूरा कर जाता, ओ जय बीबी मेरी कुफरी कूलर और टीवी तू पीहर से लाई, ओ देवी पीहर से लाई लेकिन गद्दे में पुली तो मैंने भरवाई, ओ जय बीबी मेरी तू दुर्गा तू लक्ष्मी हुई है महाकाली, ओ मैया तू तू दुर्गा तू लक्ष्मी हुई है महाकाली, ओ बच्चों की मैया हुई है उससे कोई फल प्राप्त होगा जो मुझे प्राप्त हुआ। कबीबी जी की आरती जो आज तक धरती पर जेला की कमी नहीं है, एक तो माफ करो वही प्यार हो गाल घुमेर घूंघट से घूरे जेवर सी गणगौर।
और स्टेज को प्रसंग चल रहे है, मनदेव जी बाबू जी आगे सक्रिय दिख सुन तो मना ले भावका सिंह लागे सोना पुलू पुछ मैं आ तो तय बता सो आद नंदलाल जी बाबू जी उसने रात में पसवाड़ा ही लेगा एक और आदमी उमरी उमरी औसताई तो ही है ये तन होता है बूढ़ा ये मन कब समझता है पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ दे अरे एक और प्रेम को स्वाद भी बुढ़ापा में ही आवे ऐ जवान तो झूठा बदनाम है दोन पंक्तियां से आनंद से पहुंच जाए तो बताइयो बुढ़ापे में ही मधुर प्यार का सिलसिला होता है आम और भी मीठा लगता है जब पिलपिला होता है आनंद का फल है जरा आगे चार पंक्तियां वही घराड़ी 10-15 साल ने किया कि लागवा लाग जाए वही कह कह गए चार लाइन में ध्यान रखियो कह काली कंकाली कंसली कसारी कड़क्षा कड़ी बिगाड़ कान खानी काली कंकाली कंसली कसारी कड़क्षा कड़ी बिगाड़ कान खानी खतरा की खाला खेराऊ खतरनाक खेबा गारी खाडा खोदनी खाल खानी गेली गजंतिका गड़ा गणनी गौतम गारी गरुड़ पुराण गाणी और यारीर गोरी मिनीर गोचा गारीर गरखानी बलो सत्यनारायण भगवान की बहुत धार्मिक आदमी आनंद का फल धार्मिक आदमी और चार पंक्तियों से फिर वेद जी एक आरती आपने सुना होगा और आप विदा लेंगे ऐसी मजाक सारा आप लोगों के लिए यहाँ पर शहादत है इन आप दिल में अमर रखा देश को भाव रखा पत्नी की एक आरती आप सबको मन हो तो कवि सम्मेलन तो सोचो भी सा लंबो ही होगा फिर भी आपको मन हो कि बस सुनावा तो एक बार जोरदार ताने बजार आप बुलावन करें मोमबत्ती चासा लाइट चली जाए चासा तो चारणों करवाता ही हर बार चारणों ही करे पर जठे भी ने मेला भट्ठी भी डोली ना किसी बार काली भी कर दे तो कोई ऐसी मजाक में कोई बात हुई हो तो बस जो भी कमिया है वह मारी है जो चोखो चोखो है वो सारो थारो है ये भाव से आप आनंद ने 5 मिनट जीवा गाल घुमेर घूंघट से घूरे गेवरसी गणगौर दुल्हन रोजिना सारला प्लाट में स्टेज लगाए और रोजिना भी ने 3 पगा का कुदगड़ा में ही नाप दिए चारों से तो बस दरो दीवार बनते हैं जहां बुजुर्ग बसते हैं वहां परिवार बनते हैं वहां परिवार बनते हैं तो परिवार को पहले बैठो ये ठीक रहे थारे बोलबा को चाव रही है आपस में सागे ही हो लिया कर लिया कोई जो कोई पूरा देश में हंडा कोई थाली बात भी बैठ जाए कोई यहाँ को बड़ो आप भाई मारवाड़ी समझे को हिम्मत हो आई जीवारी है मेरे तो समझ जाए तो एक दिन कोई सागो को मेरे बहुत फोटो में ही मगन है भाई इन दिनों को भी जिंदगी पर कड़क फोटो बन तैयार हो रही है का क्या बात हो गई आगे कम समझ जिका आनंद का पल है सेल्फी रो भी काम जोर को है बाया खींचे में तो स्टेशन पर या देखो 5-7 बाया मिल जाए फोटो खींचे कई कई देर खींचे अति बड़ी हो जाती उसी दिन में फोटो को करे के एक तो मेरा तुम समझवाओ एक कई कई तो आप तो लाना है सीधी सीधी खींच ले कई कई है सहरा में तो यहाँ हो कि ना करे मन या लागे जो गाँव में बसे सर कहू का बीड़ी पिता का सा हो क्या जिका आनंद का पल है वह सब आप जी रहे हैं समय की सीमा है और मोती जी भाई जी को बहुत धन्यवाद है किरायों बढ़ो खर्चों भी हो जाए आए गए तो हम मैं सोचूं ज्यादा क्यों थाने दिन गाला करा को नहीं को नहीं पक्ष मेरा तावड़ हो जाए कि जाता ही बामणी में समझाऊ करूँ कहीं हाँ तो जिका आनंद का पल है एक दो मिनट एक छोटी सा आनंद की कविता आपा जी लिया और भी पछा आप लोग भी से प्रसाद लिया बिना कोई जायो बना अरे मैंने बार बार खेरिया मोती जी बोले घोषणा कर दियो कि कोई भी प्रसाद लिया बिना नहीं जाए मैं खेलो जी के झूठी चिंता करो पोषणा में तो बोलो तो कौन ऐ पहले अलवाया नहीं टटोले कतीब डील है भैया हाँ तो दादी यार आप जोर कौन सा लिया और जिका आनंद का पल है वह आप जी रहे हाँ और जीवनो और आनंद का ये बढ़े रहे भगवान खूब बढ़ाओ करो जीवनभरी एक बात मेरे याद आ गई मैं बताया करूँ मेरे में आप बिखेड़ी है मैं बड़े पढ़ा करता जयपुर में ना मैं भी एक कमरा में 2 भाई ला रहता मैं रोटी पढ़
बारी दाड़ी कर लेता पढ़ लेता रोटी बना पा को बहुत आड़स आ गए घर बड़ी बड़ा ही खाईड़ा रहेगा ना जहां बिग आड़स आ गए तो मारे जनाब एक दिन में शाम की छात पर घूम घूम रहे पढ़ा जो एक टेंट दिखो ना घर का तो ही खर्चो देता दाल रोटी खाता आता हो रहा था यार कोई पार पड़ जाए ये सोरम भी जोर की आ रही है मैं मारकन हाँ जिसा नया गा बा फिर यार भी मेला में निभ गो काम और जय घूम घूम रिश्ताला पर फटकारो दियो और वो पनीर मटर पनीर में भैया तो जिंदगी बन गई अब तो शाम के होता ही मारे टांटिया सा लड़े की छात पर चढ़ो कड़ी कड़े आपने बाघ को जो मरकरी जगरी हो या कई बारी व्यवस्था बैठी एक दिन परीक्षा की टेम में या भी पढ़ाई कोई बहुत तो पढ़ता पढ़ता 10:30 बज गया अब रोटी कौन बनावा जोड़ साग जा कोई आपने बाग को हो ही सी कड़े ना मैं छात पर चढ़ाया एक जगह टेंट सो और कनाची बंदेड़ी दिखी ना मैं गया जो 10-15 आदमी या नीचे ही बैठ जिम रहा रात ने ना मैं सल्टे भी दिखे बराता रो काम मैं भी सागे ही बैठ गया एक जनों ने सिर पर गमछो सो बांधो और बांध यार आयो बोले भाई साहब आपको पहचाना नहीं अब आपने धोनू को आदमी दबे थोड़ी बात अच्छा भाई जी मानी को नहीं पिछड़िया मैं तो बराती हाँ बराती वो जी को जवाब दियो मेरा गाशो आगे कौन सर क्यों वो बोले जी बराती हो वो तो बढ़िया पढ़ो तो मेरा बाप को बारो है मैं तो नहीं बोल चूक गए तो जिका आनंद का पल है जिम्बा का बड़ा आनंद है मैं जयपुर एक ब्याह में गयो बड़े मना जयपुर में के नहीं मैं जिका लोग लोग खींचो करे पर दरुजा पर भी टेंट का गेट पर ही खड़े रहे मैं तो आज समझ तो स्वागत के ताई खड़े करवा खड़े रहता उसी मैं पांच आयो ना मैं भाई जी को दिखा मैं भाभी जी नहीं पूछो मैं जी भाई जी कड़े गया बोले जी वो एक आदमी लिफाफा दिए बिना वापस चला गया था उसके पीछे पीछे गए तो बठे लिफाफो ने दिया लेर हो जाए बड़ा बड़ा आनंद का सारा पल है आदरणीय वेद दादी जी ए बहुत सारी आरतियां लिखी है एक थाने देखो एक आयड़ा आनंद का आया भी तावड़ करे आगे भी जानो मैं पढ़े को मौसम भी है पर आरतियां लिखी 1980 में की एक किताब आई हंसी की वंदना भी मैं नेता पर आरती लिखी पुलिस पर लिखी पत्नी पर लिखी तो कोई भी एक आरती आपने सुना हुए हालांकि नंदेव जी अति आपने बीच मेहनत कर लिया है आके घर आ मैं मायत राम घर चलिया गया तो पत्नी यार आरती से सुना जो कर दियो तो और आनंद आ जाए थारो सैको मन हुए तो एक बार जोरदार थाया बजा लिये जी ने आपा कहा कविता सुनाई और जागरण होया कवि सम्मेलन होया रात में आदमी शांति से रह जाना मोबाइल नहीं आवे ज्यादा जमे पर दिन के माया आता जाता चालू कार्यक्रम में भी अगर बहुत बढ़िया आपने आनंद दिया हुआ तो एक बार जोरदार तारा वेद जी दादी सही आप पिछावा बहुत मन से आप सुन रहे हो सारा मायत सुन रहे है हसी मस्तिया माटी में अति बिखरी पड़ी है बस सारी बात आप जीवेंगा और बस सारा पावन भाव ई मुकाम पर मंच पर एकमात्र कवियत्री आदरणीय काव्या मिश्रा जी हमारे बीच विराजमान है प्रेम के श्रृंगार के देशभक्ति के इतने मीठे गीत इन्होंने लिखे हैं संगीत की बहुत साधना की है संगीत की बड़ी डिग्रियां इनके पास है सारी ताल धुन सारे ये समझते हैं तो और उनको हम भरपूर सुनेंगे और पलक पावड़े बिछाकर जिस तिरंगा यात्रा के सम्मान के लिए हम उपस्थित हुए हैं आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे बीच भूतपूर्व सैनिकों की तिरंगा यात्रा ये वो सारे लोग जिन्होंने भारतीय सेना में अपना जज्बा दिखाया है आज ग्राम पोषणा के इस शहीद स्मारक में हमारे बीच आ रही है हम उन सबका बात माँ भारती की वंदना के साथ उनका अभिनंदन करेंगे वंदन करेंगे देश के इन सैनिकों का इन जवानों का इन वीरों का पांच दादी जी एक बड़ा कवि हसा दो और आया देखो सारा मजाक आप पर ही करेगा आप पर हसावो बड़ी बात है दूसरा का खरूक कुचर बांधो तेजो रावे मिनख में आप पर हसावे चार पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़कर एक बड़े कवि को बुलाता हूं कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने अपने चेहरे को आईना बनाया हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए और इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए और वो काम कर रहे हैं वे दादी जी जोरदार तालियां
बापा सुनाओ भाई बात। कि एक रात चीन को राष्ट्रपति शी जिनपिंग गहरी नींद में सुतो चार पाई सिर पर रख के जोर जोर से बोलो रब भागो भागो भागो। उनकी लुगाई बोली अजी लागे है ई का सपना में नरेंद्र मोदी आगू। एक और छोटी सी बात, स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर मेरी घरहरी जरूरत से ज्यादा आगे बढ़गी। अरे बिना झाड़ू बिना पोछे मेरी सारी जेवा साफ कर दी। बढ़िया बढ़िया। एक और छोटी सी बात, तो एक दिन राजस्थान का मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने पूछी कि गहलोत जी दो और दो कितना हो गए हैं, दो और दो कितना हो है। गहलोत जी बोलिया बिया हो तो चार है, पर फिर भी एक बार राहुल गांधी से कन्फर्म कर बताऊं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हसी आनंद के साथ धीरे धीरे छोटी बात बढ़ती जाएगी, बढ़ती गर्म हो रही है व्यक्ति की। बात तो समझ में आ रही है ना आपको, तो जरा ताली बजाओ जोरदार। एक महंगाई से दुखी होकर आपकी लुगाई में बोलियो मैं सुन ली है कि मैं अपना पति हो बाका पद सु इस्तीफा दे बताऊ। शानदार व्यक्ति हो। एक और छोटी सी बात, स्वागत हाँ बहुत मन से। तो एक नई नवेली दुल्हन है या बाबू कलाकार नई नवेली दुल्हन में वो अभिनव कर रखे करना सर या नहीं मेरी दुल्हन आपका पति ने आकर्षित करने का उद्देश्य को एक बहुत पुराना फिल्मी गानों बनवाई। बोली गए हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी कसम जोरदार धार लगा।
कसम जोरदार फटकार लगाई, क्या की या मजबूरी, पर हर दो गज की दूरी मास्क जरूरी। एक और छोटी सी बात, मैं बात कर रही हूँ, सुन रही है के हेलो महाभारत में ही धर्मराज युधिष्ठिर जैसे राजा ही जुआ खेले करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे राजा ही जुआ खेले करते थे और एक तू है तो मन मना कर रहे हैं। लुगाई बोली, रख तेरी बात में 100% सच है, पर ई बात को ध्यान रखिए कि महाभारत की द्रौपदी का भी कसम पांच है। एक और छोटी सी बात कि एक बाप आपका लाडला बेटा ने कही, एक बाप आपका लाडला बेटा ने कही कि बेटा आप प्रेम गली है, ये यानी कि बहुत बदनाम गली है जी, आप प्रेम गली है यानी कि बहुत बदनाम गली है, अरे ये मैं जावे दो तो पछतावे दो, ये मैं जावे दो तो पछतावे दो, छोड़ो एक दिन वो गली में जाकर साचाई पछतायो, क्योंकि वो प्रेम गली में आपका बाप ने सीटे बजा तो पायो। एक और छोटी सी बात, स्वागत एक और छोटी सी बात कि एक समय सुनिया मंदिर जी बाबू जी एक कविता है, एक समय महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण आया और पांडव कुल वधु उत्तराखंड गढ़ में पड़ रहा परीक्षित उनकी भूमि ने अपना सुदर्शन चक्र को बचाया। एक समय महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण आया और पांडव कुल भदु उत्तरा का गर्व में पड़ रहा परीक्षित रूपी गुण ने अपना सुदर्शन चक्र से बचाया, तो है तीन लोक का कृष्ण कर लिया फेरू की धरती पर आचा और भारत की नारिया का पेट में पढ़या कन्या भूल ने अपना सुदर्शन चक्र से बचा जा। वाह अपना सुदर्शन, वाह वाह जी, वाह 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 वाह। ऐ हाँ बेटा दीजिए तो छोटी छोटी मात्रा खाई आज या तंदूर गर्म हो रो है, कई बहुत हास्य की कविताओं के लिए जाने जाए और आने हसी मजाक करता राम बेद जी भाई जी तो माई का गया बोले बोले भाई बोले बोले आज फुहार कर दे बोले भाई जी पाग बाड़ा में क्या की करती हूँ तो मैं बाल काट बाका पीसा लू ढूंढ बाका ऐ बोले नहीं सा फिर दाई कर दे भाई ए, एक और है वो बताना है बाल दादा पर एक बात बताऊ सामने भी दो तीन भाई पांच भाई बैठे है ए, बाल के बारे में बतायो है कि बाल एक कोई भी मोटियार जन्मे है जिसके सिर पर देव सिंह जी बाबू जी दो ही लुगाए हाथ फेर सके, एक तो जन्मदेवाल माँ फेर सके एक गराली फेर सके और कोई तो हिम्मत ही को नहीं मोटियार के सिर पर हाथ फेर सके,
इमें भी आके बतायो है कि माँ तो टाबर के छोटा के लाड से सिर्फ हाथ फेरे ना भी के बाल बटे और कोई काम करे तो नहीं हो गया गहराली फेरते आके उठ जाता बता वेद जी का तो ज्यादा उठ गया मन लागे आप तो जनसंपर्क अपार है पूरा बोला कोई समर्थन लाते तो ऐसी आनंद की बात है इन्हें भी ऐसी मस्ती में ही जीवन के कहेंगे मारे मारे ही बहुत फायदा है आपको मन हो कि क्या फायदा है तो वह फायदा की कविता आपने सुना हुआ एक बार जोर बात करने से वेद जी दादी जी का बोला और नंदेव जी बाबू जी कह रहे हैं कि माता बहिने फिर काव्या जी को सुनने देखो कितने श्रोता और बड़े हैं आप देखो हिंदुस्तान जी मेरी डिमांड नहीं महिलाओं की डिमांड है काव्या जी की हाँ आपके बाद मेरे को मौका दिया धन्यवाद देखो डिमांड वाली उम्र से बहुत ऊपर उठ गया तो भाई अभी खरीद कह रहा था साल ये गंजा है जाने किसके समर्थन है क्या है क्या है भाई अरे सुन लो अगर दुनिया के अंदर कोई अगर सुखी है तो वो गंजा ही सुखी है गंजे आदमी सुखी है और गंजेपन के फायदे क्या क्या है आपको गिनाता हूं मैं निवेदन करता हूं स्वागत अभिनंदन स्वागत तो दोस्तों मैं तुम्हें एक देरी देरी सीक्रेट बात बताता हूं और मैं तुम्हें एक देरी देरी सीक्रेट बात बताता हूं अरे मैं गंजिया हूं गंजिया इसलिए गंजे पर पड़ी खिलाता हूं इसलिए गंजे पर बड़ी सुनाता हूँ तो आज दुनिया में हर आदमी किसी न किसी समस्या से है दुखी हम गंजे ही तो है जो दिखते हैं सदा सुखी अच्छा अच्छा हम गंजे ही तो है जो दिखते हैं सदा सुखी और गंजे के प्रमुख नाम है तीन जी गंजे के प्रमुख नाम है तीन आपको जो निकल रहा है हाँ है माता बहन जिन्होंने वार में गई तो उसमें तो मैं वापस आई हाँ जल्दी में जल्दी जो हाँ देखिए भी भाया बहु कैसी सीखी जाऊ तो सर और वह माता गहना भाया से निवेदन है थोड़ी आगे सत्या हो जाए कहे ना भले बहन लगे बेटा आप थोड़ा आगे सत्या हो जाए ना अर्पित सब सत्या भाया हाँ जी देखो माया आई थी ना आगे अजी ए मारे बहुत पढ़ो लिखो जिलो है बहुत समझ है हमारी बेटिया आपकी शिक्षा विभाग में लाग रही है मेडिकल में आपकी लाग रही है ऐसा हमारी पढ़ रही है आगे देश में खूब बढ़ेगी हाँ जी बेटा बेटा सर बेटा देखो पता से दादी उनके ही अवस्था में और गंजे के प्रमुख नाम है तीन हाँ जी हाँ एक बार जरा ताली बजा दो जरा मानसिक का बच्चा है तो गंजे के प्रमुख नाम है तीन तकलू सपाच और मिस्टर क्लीन क्लीन टकलू सुपाचेक और मिस्टर क्लीन तो मैं सीना ठोक कर कहता हूं सही और मैं सीना ठोक कर कहता हूं सही हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि हमारे है ही नहीं तो हमारी प्रतिष्ठा से लोगों का जलता है मन
तभी तो कहते हैं अरे तुमने क्या किस्मत पाई है उजड़े चमन उजड़े चमन तूने क्या किस्मत पाई है उजड़े चमन तो गंजापन जीवन का सार होता है क्योंकि गंजों में बुद्धि का संचार होता है। अच्छा ताली बजा दीजिए। क्योंकि गंजों में बुद्धि का संचार होता है तो ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं कानून कायदे जी गंजे आदमी को मिले हैं फायदे ही फायदे। वाह गंजे आदमी को मिले फायदे ही फायदे। तो पानी बचाओ का तरीका किसी गंजे से लीजिए। पानी बचाओ का तरीका किसी गंजे से लीजिए और चल्लू भर पानी में सिर और चेहरे को धो लीजिए। वाह चलो भर पानी में सिर और चेहरे को धो लीजिए। अरे गंजे आदमी कभी भूल से भी साबुन तेल और कंघी के हाथ नहीं लगाता है। अरे गंजे आदमी भाग्यवानी ही नहीं ब्रिलियंट होता है क्योंकि इसने इको फ्रेंडली का गंदा टैलेंट होता है। इको फ्रेंडली टेम्पुर बात रही है। इको फ्रेंडली का दमदार टैलेंट होता है। अरे गंजा आदमी जब अपनी औकात पर आता है तो उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ हो जाता है। वाह तो उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ हो जाता है। और अब बीजेपी ने तो गंजों का जमकर फायदा उठाया है। अच्छा बीजेपी ने तो गंजों का जमकर फायदा उठाया है इसीलिए आडवाणी राजनाथ नायडू और अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाया। साहब देखो गंदा भाई थारे और तो सुख होता ही हो सी एक बात मेरे मन भारी है कि थारी सासू के थोड़ी तकलीफ रहती हो सी यहाँ कोई बाउंड्री कोई ना फिर जुआरी करो ना लाइन में देरों बड़ी पटर टिको करे ताकि ठीक ना फिर देखो आप है ना आपके अगर वो जुआरी करे ना तो मात से हाँ इतनी सी रोली लगे तिलक में और आपने इतनी लगे तो पूरा शरीर ज्यादा सुख होगा ना। स्वागत भाई। अरे आज गंजे नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। अच्छा आज गंजे नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। और तुम ही बताओ रिजर्व बैंक 2 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगाता। वाह ये तरक बोल रहे हैं आप तो मुझे तो 2 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगाता। हाँ। तो केस विहीन दुनिया भर में पूजे जाते हैं गौतम नारद और दलाई लामा इसी सूची में आते हैं। वाह गौतम दलाई लामा इसी सूची में आते हैं। और बेटा गंजा होकर पिंडदान करे तो पूर्वज राजी होते हैं और मक्का मदीना में गंजे होकर इबादत करने पर ही हाजी होते हैं। वाह 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 वाह। अरे महापंडित चाणक्य गंजाई तो था जो दुनिया को राजनीति सिखा गया और गांधी भारत को आजाद कराकर राष्ट्रपिता का दर्जा पा गया। वाह राष्ट्रपिता का दर्जा। वाह हाँ वेद दादी जी